भगवान राम जगत के स्वामी हैं, अंतर्यामी हैं, देश काल और सीमाओं से परे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। भगवान राम के रंग में पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया रंगी हुई है। आज आपको ले चलते हैं इंडोनेशिया के बाली, जहां भगवान राम से जुड़ी अनोखी लीला देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। ये इंडोनेशिया के बाली की तस्वीरें हैं, जहां इन दिनों भगवान राम की छटा बिखरी हुई है। रामायण का अनोखे अंदाज में मंचन किया जा सकता है। आपको इनकी भाषा तो समझ में नहीं आएगी, लेकिन इनके डांस और भाव भंगिमाओं से आपको राम लक्ष्मण जानकी, हनुमान और रावण सबके किरदार समझ में आ जाएंगे। दरअसल ये बाली का कीकेक और फायर डांस है। ये इंडोनेशिया के संगयांग डांस की पुरानी और अनोखी पद्धति है। 70 लोगों का समूह अपने देवी देवताओं और पुरखों को प्रसन्न करने के लिए ये डांस करता है। इसे टेरेस डांस भी कहा जा सकता है। इस कला में 1930 के आसपास रामायण को भी शामिल किया गया है। तब से रामायण की लीलाओं का मंचन भी बाली में लगातार हो रहा है। इस अनोखी रामलीला में भगवान राम के जीवन से जुड़े सभी प्रसंगों को नृत्य नाटिका के जरिए दिखाया जा रहा है। कलाकारी ऐसी कि रामायण के सार को देखकर भी आप दांतों तले उंगली दबाए बिना नहीं रहेंगे। जैसे देखिए, सीता हरण का प्रसंग, राम लक्ष्मण और जानकी एक जगह आते हैं। थोड़ी देर बाद इसी जगह पर सोने का हिरण आ जाता है। सीता जी भगवान राम से इस स्वर्ण मृग का शिकार करने के लिए कहती हैं। सीता की रक्षा का दायित्व लक्ष्मण को सौंप कर राम हिरण के पीछे भागते हैं। बाली की रामलीला के मुताबिक इसी वक्त सुपनखा वहां आती है और लक्ष्मण से शादी करने की जिद करती है। लक्ष्मण इस पर क्रोधित हो जाते हैं। बाली में चल रही इस कला के जरिए दूसरा प्रसंग सीता, रावण और गरुण से जुड़ा दिखाया गया है। सुपनखा के अपमान से आहत होकर रावण सीता का अपहरण करने जाता है। वो सीता से एक ग्लास पानी मांगता है और जब सीता उसे पानी देने आती है तब वो उन्हें जबरन उठा ले जाता है। वो सभी से मदद की गुहार लगाती है। तभी गरुण सीता की मदद के लिए आते हैं, रावण से लड़ते हैं, लेकिन इसमें वो घायल हो जाते हैं और अपने पंख खो बैठते हैं। इस रामलीला के मुताबिक रावण सीता को अलिंगकापुरा ले जाता है। बाली के फायर डांस वाली रामलीला में अब हनुमान की एंट्री होती है। सीता की खोज में भटक रहे राम और लक्ष्मण की जंगल में वानर सेना के राजा हनुमान से मुलाकात होती है। राम सीता को खोजने के लिए हनुमान को अलिंगकापुरा जाने को कहते हैं। राम की अंगूठी लेकर हनुमान अलिंगकापुरा जाते हैं और सीता जी को वो अंगूठी देते हैं। बाली के संगयांग डांस के जरिए की जाने वाली रामलीला अमूमन भारत में होने वाली रामलीला जैसी ही है। इसके पात्रों के नाम रामचरितमानस के पात्रों जैसे ही हैं, बस कुछ नाम बदल दिए गए हैं। बाली के संगयांग की रामलीला में आगे क्या होता है देखिए। जब हनुमान अलिंगकापुरा पहुंचते हैं तो वहां एक गार्डन में सीता की खोज के लिए जाते हैं। यहां उनकी मुलाकात रावण की भतीजी त्रिजटा से होती है। त्रिजटा राक्षसी जरूर है, लेकिन सीता का बहुत ध्यान रखती है। हनुमान यहीं पर सीता जी को राम की तरफ से दी हुई अंगूठी देते हैं और खुशखबरी बताते हैं कि राम जल्द ही आने वाले हैं। सीता से मिलने के बाद हनुमान अलिंगकापुरा के बाग में फल खाते हैं, जिससे राक्षस नाराज हो जाते हैं और यहाँ पर राक्षसों और हनुमान के बीच युद्ध होता है। फिर हनुमान को बांधकर राक्षस रावण के पास ले जाते हैं। हनुमान जी को जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हनुमान जी पूरी लंका को ही जला डालते हैं। बाली की रामलीला के कलाकार कहते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि हनुमान को सुपर नेचुरल पावर हासिल है।
यांग पद्धति की इस रामलीला के अंत में दिखाया जाता है राम लक्ष्मण और हनुमान युद्ध के लिए रावण को ललकारते हैं, उसे चुनौती देते हैं और रावण का काम तमाम कर देते हैं। रावण पर विजय के बाद राम सीता को वापस लाते हैं। बाली की रामलीला हमेशा सुर्खियों में रहती है। इंडोनेशिया भले ही मुस्लिम बाहुल्य देश है, लेकिन इसके हिस्से बाली के अलावा जावा और सुमात्रा समेत कई द्वीपों में अलग अलग तरीके से रामलीला होती है। इसीलिए तो कहा जाता है, राम सबके हैं, अंतर्यामी हैं, जगत के स्वामी हैं। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।